गुमला में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची, जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला के संयुक्त तत्वावधान में नगर भवन गुमला में विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया है। सशक्तिकरण शिविर का शुभारंभ झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस एन पाठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला संजय कुमार चंद्रयावी, उपायुक्त सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला शिशिर कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक सह कार्यकारी सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला डॉक्टर हितेश श्याम वकारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नंदलाल, उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों, श्रमिकों, विधवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं समाज के अति पिछड़े वर्ग के लोगों को विधिक सेवा तथा कल्याणकारी योजनाओं के लाभांश का वितरण किया गया। सशक्तिकरण शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा चयनित लाभुकों के बीच कुल 1,67,98,650 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। सशक्तिकरण शिविर को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय झारखंड एस एन पाठक ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह कार्यक्रम हो रहा है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। रिकॉग्निशन अभी तक राज्य स्तर पर भी नहीं हो पाया है, इसके लिए डिमांड हम है, यहाँ के लोग है, अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए, यही अवेयरनेस है। जहां तक लीगल अवेयरनेस का सवाल है, डीएलएसए की तरफ से यहां पे कैंप हो रहा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, कानून की जानकारी दी जा रही है, डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत नालसा का सहयोग है, नालसा का डायरेक्शन है, और हम यह चाहते हैं कि आप संविधान को जानें, संविधान आपके द्वार तक पहुंचे, संविधान आपके लिए इतना सरल बन जाए कि आप उसकी बारीकी को समझें। डिप्टी कमिश्नर के यहाँ जाना है, आप डरते हैं, एसडीओ साहब के यहाँ जाना है, आप घबराते हैं, पुलिस स्टेशन जाना है, आप घबराते हैं, अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को सही एजुकेशन आप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हीं अधिकारों को आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। संविधान के तहत आपको सारी जानकारियां उपलब्ध कराना ही न्याय प्रक्रिया का एक अंग है। हाईकोर्ट में बैठकर हम लोग जजमेंट डिलीवर करते हैं, आपको यह पता नहीं आपके एडवोकेट ने क्या बहस किया, विपक्ष ने क्या बहस किया, आपके वकील आपको बता देते हैं आपकी जीत हुई, आपकी हार हुई, इतना ही तक सीमित हो जाता। मैं इससे बहुत दूर आपको नहीं जाना चाहता हूं, मैं यह चाहता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया में लोअर लेवल तक भी दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।